हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आज डॉक्टर मनीष यादव जी के साथ, जो आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ के अंदर आपने काफ़ी बार हमारी खबरों में देखे होंगे और काफ़ी चर्चित चेहरे हैं ये। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव है, इनकी एक अहम भूमिका जो है कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर भी देखने को मिली, जहां से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार थे और साथ में पंजाब में भी ये रहे। तो एक बार इनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि दूसरी लोकसभा में भी ये रहे और दूसरे स्टेट में भी ये रहे, तो क्या कुछ रहा माहौल और पूरे देश भर की लोकसभा के चुनाव के बारे में करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो कैसा रहा चुनाव? बेहतरीन चुनाव। इस चुनाव में मैं कहूँगा, सबसे पहले तो देश की जनता को बधाई देता हूँ जी, कि जिस मकसद के साथ इस चुनाव में देश की जनता मैदान में उतरी जी, वो कामयाब हुए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था इस चुनाव में, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से लोकतंत्र संविधान पर खतरा इन्होंने बनाया, जिस तरह से तानाशाही का माहौल जो है वो देश के अंदर बनाया जी, तो उसको रोकने के लिए जनता जमीन पे उतरी, इंडिया अलायंस का साथ दिया। और जो किसी भी तरह के एग्जिट पोल्स में नहीं नजर आ रहा था, जनता के पोल में जरूर उसकी चर्चा आ रही थी और वही आज नतीजों में भी सामने आया है। तो सभी देशवासियों को बधाई हो, ऐसा नतीजा आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आप सबके जुनून से ये संभव हुआ है कि अब तानाशाही देश के अंदर नहीं हो सकती, लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं रह सकता, इस वक्त संविधान सुरक्षित रहेगा। एक मजबूत विपक्ष 234 नंबर के साथ आपने देश को दिया है और इस वक्त अल्प मत में भारतीय जनता पार्टी को रखकर हर तरह की मनमानी से रोकने में देश की जनता कामयाब हुई। चलिए, देश की राजनीति पर बाद में आएंगे, पहले चलते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या वापस आते हैं यहीं पर जहां से हम चले थे, महेंद्रगढ़ पर। और महेंद्रगढ़ में जो हार और जीत हुई है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस में, जैसे आप भी हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई यहाँ पर। श्रुति चौधरी जी जो पहले चुनाव लड़ चुकी थी, जिनको उन्होंने पहले एक बार जीत भी हासिल की, लेकिन कांग्रेस ने एक फैसला किया कि इनकी टिकट काटकर रावदान सिंह जी को दे देते हैं, जबकि उनके ऊपर ज़्यादा जो है ना, मतलब जिम्मेदारी देख रहे थे कि यहाँ अपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभा जो हैं, उन विधानसभाओं में अहीर जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, उधर जाटलैंड से एंटी बीजेपी एंटी मोदी वोट आए जाएंगे, क्योंकि जाट किसान जो है वहाँ पर नाराज है। लेकिन बावजूद उसके महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभाओं से हार रही और लोकसभा में भी ओवरऑल देखे तो हार रही, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखो, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट दिलचस्प रही। यहाँ चुनाव इंडिया अलायंस में जो हमारे उम्मीदवार रावदान सिंह जी हैं वो हारे हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार यहाँ से सांसद बने। ये उस परिस्थिति में सांसद बने जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पूरा माहौल जो है वो जमीन पे था, इस पूरे क्षेत्र में था। महेंद्रगढ़ के गांव हो, चाहे भिवानी जिले के गांव हो, चाहे दादरी जिले के गांव जी, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जाते, इनके विरोध होता जी। किसी किसी गांव में इनके खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं कि कहीं इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इनके नेता मंत्रियों की एंट्री बैन कर दी है। तो इस माहौल में जहाँ जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रोकना चाहती है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताना चाहती है, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना चाहती है और उसके खिलाफ खड़े उम्मीदवार को जिताना चाहती है जी, इस माहौल में रावदान सिंह जी जीत को मुमकिन नहीं कर पाए या इन नतीजों में जीत नहीं पाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उनकी रणनीति, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता जो खुद भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है वो आपको जीत का सहरा क्यों नहीं पहना पाई, तो इसमें मंथन की जरूर जरूरत है। 40 साल रावदान सिंह जी ने महेंद्रगढ़ में राजनीति की है, लगभग 4 बार आप विधायक भी बने हैं, सरकारों में मंत्री CPS भी रहे, उस वक्त आपने जनता के लिए ऐसा कुछ किया या नहीं किया, ये सब महत्व रखता है। आपका क्या व्यवहार रहा आपके राजनीतिक दौर में, आपने किस तरह से जनता के साथ समन्वय बनाया,
कैसी आपकी लोकप्रियता है। तो मुझे लगता है कि जिस महेंद्रगढ़ में मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे विधानसभा में लगभग 25-30 हज़ार की बढ़त के साथ रावदान सिंह जी यहाँ से आगे निकलेंगे, लेकिन महेंद्रगढ़ के लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि जात की राजनीति नहीं, किसी तरह के परिवारवाद की राजनीति नहीं, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं, हम काम की राजनीति चाहते हैं। रावदान सिंह जी के 40 वर्ष के कार्यकाल ने कहीं ना कहीं जनता की खिलाफत होने के बाद, बीजेपी की खिलाफत होने के बाद भी इनको जीत से रोक लिया। तो 40 साल का जो काम है वो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से रावदान सिंह जी की जिम्मेदारी है, और उन्हें समझना भी चाहिए और जो भी कमियाँ रहीं उनको ठीक भी करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जब वो विधायक रहे, जैसे अब भी वर्तमान विधायक भी हैं, तो उनके कार्यकाल में जो है कुछ ध्यान ना दे पाना, काम का नहीं होना, ये सब चीज़ें, सीधी साफ सी बात है, जब आप लोकप्रिय होते तो जब अनुकूल माहौल है, जब बीजेपी के अगेंस्ट माहौल भी है और आपकी लोकप्रियता भी है, तो दोनों मिलके तो जीत ही बन सकती है, हार तो नहीं बन सकती जी। लेकिन उन दोनों के मिलने के बाद अगर हार बन रही है तो या तो लोकप्रियता पे सवाल है या फिर माहौल बदल गया आपके आने से। अच्छा, बात करें भितरघात की, उनके यहाँ पर भितरघात की भी जैसे अभी आज ही बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने मेंशन भी किया कि हाँ भितरघात हुआ है, तो किस प्रकार से देखते हैं? भितरघात में समझता हूँ कि किस तरह की भितरघात समझते हैं, जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम आए उस समय, जैसे मैं समझता हूँ वो अपनी ही पार्टी की गुटबाजियों में प्रकाश डालना चाह रहे होंगे उसी, मतलब लेकिन अपनी पार्टी की, उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों से जो है जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये हमारा साथ देंगे, उन्होंने साथ नहीं दिया, और जो साथ नहीं देने की बात कर रहे थे उनसे उन्हें काफ़ी समर्थन मिला। देखिए वो ठीक है, उनका समझना उनका अपना आकलन है, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप जिस विधानसभा में 40 वर्ष तक प्रतिनिधित्व करते आए हैं या राजनीति में सक्रिय हैं, वहाँ से आप चुनाव हारे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी दूसरे पे कैसे लगाते दे सकते हैं? ये तो खुद लेनी पड़ेगी जी। सही बात है, महेंद्रगढ़ की जनता ने तो मन अपना साफ साफ बता दिया कि हम बीजेपी को तो हटाना चाहते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को तो गांव में नहीं घुसने देना चाहते, उसके खिलाफ तो हम नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जीत का सहरा हम दान सिंह जी को नहीं पहना सकते जी। इस माहौल के अंदर भी आपको हरा रही है महेंद्रगढ़ जनता, तो ये आपके सोचने का विषय है। इस समय मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय अंतर मंथन की जरूरत है जी, और खुद में क्या कमी रही इस पर विचार करना जरूरी है। इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के अंदर डॉक्टर मनीष हैं, और डॉक्टर मनीष जी का भी अपना एक प्रभाव इस क्षेत्र में। डॉक्टर मनीष जी ने रावदान सिंह जी के साथ कंधा मिलाकर काम क्यों नहीं किया, वो कुरुक्षेत्र चले गए? देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी जी, और कुरुक्षेत्र में हमारे सेनापति डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार थे जी। पूरी पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ दी गई थी, तो उसके चलते मैं ज़्यादा समय इधर नहीं दे पाया, लेकिन जो हमारी भूमिका यहाँ होनी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के साथी हैं वो उनको पर्सनल अपील, जनरल अपील, पब्लिक अपील, हर तरह से हमने इस वक्त ये किया कि देश में इस समय तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को समर्थन करो, वोट दो, और तभी देश सुरक्षित रहेगा। इस अपील के साथ हमने जितनी मेहनत की जा सके, एक एक कार्यकर्ता ने, मैं अकेला नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं सब ने इंडिया अलायंस को वोट भी किया और इंडिया अलायंस के लिए मेहनत भी की है। चलिए वापस एक बार आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र गए थे जैसे अभी हम, अब वापस आ जाते हैं अपनी महेंद्रगढ़ विधानसभा में, लोकसभा की बजाय लोकसभा की चर्चा हो चुकी है। महेंद्रगढ़ विधानसभा में क्या डॉक्टर मनीष जो है, जैसे अभी अब्सेंस रही, ये दूसरा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर मनीष जो हैं खुद विधानसभा के उम्मीदवार हैं आने वाले समय में, और आम आदमी पार्टी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखिए आम आदमी पार्टी जरूर विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है जी, और कोई ना कोई उम्मीदवार भी होगा जी। हमें अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो सरमाथे में पार्टी का पूरा सम्मान करता हूँ, और पार्टी जो भी ड्यूटी देती है उसे पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ कि मुझे ही चुनाव लड़ना है, मुझे ही कुछ बनना है, इस तरह का राजनीति में आने का कोई कारण नहीं है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पूरी ईमानदारी से मेरी एक इच्छा, एक चाहत है कि ईमानदारी से जो प्रतिनिधित्व है वो इस इलाके का होना चाहिए,
ताकि ये इलाका डेवलप हो सके, जिस इलाके से हम आते हैं वहाँ अच्छी सुविधाएं पहुँच सके, यहाँ स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं आज के ज़माने के साथ मिलकर चल सकें। मैं चाहता हूँ हमारे इलाके में रोज़गार अच्छे हों, इन सब विषयों को लेकर मैं राजनीति में हूँ। मैं नहीं समझता कि मेरा बनना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ सही विचारधारा का सही व्यक्ति अगर चुना जाएगा तो वो जरूर इस दिशा में काम करेगा और मजबूत करेगा महेंद्रगढ़ को। चलिए, आपकी जो एक लोकसभा सीट यहाँ पर घोषित हुई, कांग्रेस के साथ जैसे पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली कुरुक्षेत्र, वहाँ पर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार थे, पहले त्रिकोण ने ये मुकाबला कहा जा रहा था, बाकी फिर नवीन जिंदल आमने सामने हो गए। जैसे क्या कहेंगे सीट के ऊपर, जो एक सीट मिली पूरा इंडिया गठबंधन भी साथ था, कांग्रेस भी साथ थी, सब साथ थे, फिर भी डॉक्टर सुशील गुप्ता की वहाँ पर हार हो गई। देखिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार थे जी, और बहुत ही अच्छा चुनाव जो आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं ने कुरुक्षेत्र में लड़ा, और इस वक्त जो एक तरफा माहौल था देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, उसी को देखते हुए वहाँ की जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार और मान सम्मान जिस तरह से दिया है। ज़रूर आज नतीजों में हम जीत हासिल नहीं कर पाए जी, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता ने जो प्यार दिया है उससे ये समझ में आता है कि उनके दिलों को जीतने में आम आदमी पार्टी, डॉक्टर सुशील गुप्ता और इंडिया अलायंस के सभी साथी कामयाब हुए हैं। अच्छा वोट शेयर जो है वो सुशील गुप्ता जी को मिला, मात्र लगभग 29,000 वोटों से हार हुई, और इस हार के भी कई कारण हैं। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने कहीं कोई कमी रख ली या जनता ने कहीं कोई कमी रख ली, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना, सरकार को हरियाणा की राज्य सरकार को गिराकर उसी क्षेत्र के सांसद को मुख्यमंत्री नियुक्त करना, वहाँ से एक नया कैबिनेट मिनिस्टर देना, इस तरह के हथकंडे अपनाने के बाद जब काम नहीं चला तो इनेलो और जेजेपी जो हमेशा से प्रदेश के अंदर इस तरह की भूमिका निभाती रही है जी, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करती है, उसका भी सहयोग लिया, तब जाके कहीं वो सुशील गुप्ता जी को रोकने में कामयाब हुए। मतलब आप क्या मानते हैं मेन फैक्टर जो था हार का, उसमें कहीं ना कहीं INLD का भी योगदान था? बिल्कुल, पूरी तरह से योगदान था। जिस तरह से चौटाला परिवार, चाहे वो इनेलो हो चाहे JJP हो, ये दोनों ही ऐसे दल हैं, आज जो नेता हैं चाहे वो अभय चौटाला हो चाहे अजय चौटाला हो जो दुष्यंत चौटाला हो, ये अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, प्रदेश की जनता की भावनाओं का हमेशा अपमान करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग करते हैं। जो ताऊ देवीलाल जी से जुड़े थे, जो कभी चौटाला परिवार को मजबूत करते थे, आज उन लोगों का कहने का मतलब दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। मतलब आप इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली कह देता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पक्ष या विपक्ष के वोट तोड़ने का मतलब कहीं ना कहीं ये काम करते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवारी करने में अभय चौटाला जी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? 10 की 10 सीटों पर तो चुनाव लड़ नहीं रहे। हाँ, लेकिन एक उस सीट के ऊपर स्पेशल जाके लड़ रहे, एक ही सीट पर जाके उम्मीदवार बनना, और जो कभी आपके परिवार मेन चेहरा कह सकते हैं आप, मतलब खुद उम्मीदवारी करना, और वहाँ जाके फिर आप लोगों से जो वोट की अपील कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते। आप अपने कार्यकर्ताओं, जो चौटाला ताऊ देवीलाल जी का मान सम्मान रखते हैं, जो चौटाला साहब की सरकार, जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनाई हो, उन सबको मजबूर कर रहे हैं खड़े होके कि आप मुझे वोट दो, और ये जानते हुए कि आप जीतेंगे नहीं, आप किसी तरह के किसी अलायंस में नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष नहीं बन सकते, आप सिर्फ और सिर्फ वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आए। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस के साथियों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने बहुत मजबूती से इस चीज़ को ख़त्म करने की भी कोशिश की, रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो इन्होंने भावपूर्ण जो अपना मतदाता जो था ताऊ देवीलाल जी का, उसको कहीं ना कहीं रोका और 80,000 वोट काट के नवीन जिंदल को फायदा पहुंचाया जी। अच्छा, एक जैसे अभी करनाल का जिक्र आया, तो करनाल लोकसभा में तो चलो एक अलग विषय रहा, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर थे वो जीत गए, लेकिन विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर था, विधानसभा चुनाव में जो है विपक्ष नजर नहीं आया,
खास तौर पर अगर हम देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी का भी कोई कैंडिडेट नहीं था, वहाँ तो कोई ऐसी डील भी नहीं थी लोकसभा की जैसे आपको एक सीट मिली तो वहाँ तो कोई भी इंडिपेंडेंट आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता था। बिल्कुल, ये उपचुनाव था और मात्र 6 महीने का चुनाव है जी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसीलिए दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि हम अलायंस के अंदर लोकसभा चुनाव में इस वक्त देश की राजनीति में अपना योगदान दे रहे थे और इसमें वॉकओवर जो है वो अलायंस के साथ ही कांग्रेस पार्टी को दिया गया, उन्होंने अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा किया था उनका सहयोग। चुनावी समय में हमने एक बार आपसे चर्चा की तो फोन पर बात की तो उस समय आपने बताया कि आप पंजाब में हैं तो पंजाब में किस तरह का माहौल रहा? पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी माहौल पूरी तरह से था। इंडिया अलायंस भी हमने वहाँ पे रोक लिया क्योंकि उसका फायदा जो है वो फिर भारतीय जनता पार्टी को पहुँचता जी। तो जीते और हारे हाँ। दोनों ही सूरत में या तो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा या आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा। इस रणनीति के तहत हम आमने सामने चुनाव भी लड़े और कहीं ना कहीं जो मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी रूप में कोई फायदा नहीं पहुँचे, कहीं जो साथ में अलायंस में आने का कामयाब हमें ना उठाना पड़े वो हम कामयाब हुए। आज 10 सीटें इंडिया अलायंस जीता है जिसमें 3 आम आदमी पार्टी और 7 कांग्रेस पार्टी के पास है और 2 सीटें वहाँ इंडिपेंडेंट और 1 शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट जीते हैं। तो 10 सीटें 13 में से जीत के हमने उस लड़ाई को पूरी मजबूती से जीता है। हरियाणा में 7 और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ कैसे मतलब इस बात इस रणनीति मैंने बताया ना, इसी को एक्सप्लेन किया कि हम अगर वहाँ पे अलग मिलकर लड़ते तो बस तो सामने वाले को फायदा पहुंचता। जी जी बस वही पॉइंट है, उस पॉइंट को रोकने के लिए। यहाँ हारेंगे जीतेंगे तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का ही कैंडिडेट रहने वाला था। कल परिणाम आया, उसमें जो भी सीटें रहीं सब जानते हैं परिणाम क्या रहा। उसमें अगर हम बात करें तो शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जो गठबंधन है वो हमसे ज़्यादा जो है ना सारा गठबंधन मिलकर भी सीट नहीं लेकर आ पाया। टोटल जो सीट है जैसे बीजेपी से ज़्यादा नहीं ला पाया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो आप उनसे ज्यादा नंबर नहीं जा पाया। 240 233 रह गए। लेकिन इस इंडिया गठबंधन का जो मकसद था जी वो था आपको तानाशाही से रोकना जी। तो नरेंद्र मोदी जी को आज ये हार एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन आपको बहुमत जो आप 400 पार का आंकड़ा लेके मैदान में उतरे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी, केवल एनडीए नहीं बीजेपी 400 पार, उसको 160 नीचे धड़ाम टिकाने वाला इंडिया अलायंस है। वो जो मकसद जिस मकसद के साथ अलायंस हुआ था हम कामयाब रहे, देश की जनता ने पूरा साथ दिया सहयोग किया, आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है। अब इंडिया अलायंस जो है या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन सरकार बना रहा है, क्योंकि अभी चर्चे शुरू हो गए हैं नीतीश नायडू के, क्या लगता है कि सेंटर में क्या होने वाला है? देखिए अभी नंबर गेम है, जिसके पास नंबर बनेगा, पहले बड़ी पार्टी और बड़ा दल जो है वो एनडीए है, पहला मौका एनडीए के पास है। अगर वो नहीं बना पाते, अपने सहयोगियों का साथ नहीं ले पाते हैं तो कमान इंडिया अलायंस पे आएगी और इंडिया अलायंस बनाएगा। इस वक्त अगर एनडीए सरकार नहीं बना पाती है तो ये समझ लीजिए कि एनडीए जनता की पसंद तो है ही नहीं, जो जनता ने उसे रोका है उसके सहयोगी दलों की भी पसंद नहीं है जी। अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि अब उनके पास चांस है, बनानी चाहिए सरकार। लेकिन जिस तरह के 10 साल के अंदर मोदी जी का बर्ताव रहा है, भारतीय जनता पार्टी का दूसरे दलों के साथ बर्ताव रहा है, सफ़र मुश्किल है उनके लिए जी। बात करें आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं केजरीवाल जी, जो सीएम भी रहे दिल्ली के, वो तो इनका जैसे चुनाव के अंदर जैसे कभी गिरफ्तारी, कभी पेरोल पे आना, कभी वापस, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, एक कथित घोटाला जो है उसमें आम आदमी पार्टी के अनेक नेताओं को जेल जाना पड़ा। संजय सिंह जी जिसमें जेल गए थे वो बाहर आए। अरविंद केजरीवाल जी को ठीक चुनाव से पहले प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, कहीं इंडिया गठबंधन को और मजबूती ना मिल जाए, अगर ये व्यक्ति घूमेंगे प्रचार करेंगे तो नुकसान होगा, तो छवि को खराब करने के लिए इन आरोपों में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हो सकता है ये साजिश हो, इसीलिए उन्होंने ये समय इस समय चुनाव में पैरोल दिया या वो जमानत दी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि 5 साल में ये चुनाव आता है और ये अहम चुनाव है,
कहीं किसी की साजिश का हिस्सा बनकर अहम चुनाव का मौका ना खो दे। लेकिन इन चीज़ों से नुकसान जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हुई, छवि धूमिल कर रही है, जेल में डिटेन कर रही है और दुरुपयोग करके एजेंसियों का आपके राजनीति के ऊपर अटैक कर रही है। जी, इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी ने मिलकर पूरा ये चुनाव लड़ा है और हम ग्राउंड पर घूमते थे तो हमारे पास जो है ना काफ़ी, जैसे बीजेपी के कहेंगे क्योंकि विपक्ष में बीजेपी थी यहाँ पर, तो आप लोगों के तो उस केस में क्या था कि जैसे सवाल करते थे कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस जीत जाता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और आम आदमी पार्टी के संयोजक तो जो हैं अब वापस चले गए, तो फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस में? देखिए, अगर हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी, ये वक्त है उसे याद करने का। हमारे यहाँ हम सांसद चुनते हैं और फिर सांसद मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं जी, यही प्रक्रिया है बिल्कुल हमारे लोकतंत्र की जी। इस वक्त इसी प्रक्रिया के तहत अगर अवसर मिलता है इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का, तो यही प्रक्रिया जो देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो अंकित है हमारा संविधान जैसे कहता है, उसको फॉलो करते हुए देश के प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। एक एक जो हमारा सांसद है वो वोट करेगा और बहुमत जिस व्यक्ति के साथ, जिस चेहरे के साथ होगा जी, वो प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका डॉक्टर साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने इस इंटरव्यू के अंदर जो है विधानसभा, फिर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा, उसके बाद पूरे हरियाणा भर की बात करी, कुरुक्षेत्र वगैरह की, पंजाब भी गैर, पूरे देश भर की राजनीति पर भी चर्चा करी। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का ये इंटरव्यू रहा और आपको क्या लगता है कि किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि अभी तो गठजोड़ जारी है, और कौन बनाने वाला है अपना प्रधानमंत्री, इंडिया अलायंस या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वापस से प्रधानमंत्री होंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी डॉक्टर मनीष जी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है वो भी अवश्य लिखें। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।